जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही चारों धाम की यात्रा करने पहुंचे थे, अब उन्हें खुद को रजिस्टर करने के लिए 31 मई का इंतजार करना पड़ेगा। चार धाम यात्रा में आ रही बेहिसाब भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कल भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि तीर्थयात्रियों को सभा मंडपम से ही दर्शन करना पड़ा। हालांकि बताया गया कि विरोध के बाद श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने की इजाजत दी गई थी। तो चार धाम यात्रा में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ आ गई है। 10 मई से यात्रा की शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक केदारनाथ में 3,19,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ की, 1,30,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान के दर्शन करने आ चुके हैं। इधर यमुनोत्री धाम में भी लगभग उतनी ही संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में अब तक 1,25,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए और यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक 30 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनमें से करीब 7 लाख लोग ही अब तक दर्शन कर पाए हैं। Z News.